2019 में नगर निगम के हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में गोरखपुर को देश में 226वां तथा प्रदेश में 28वां स्थान मिला। गौरतलब है कि देश में 450 शहरों में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में गोरखपुर 226वें पायदान पर है, जिसमें रैंकिंग में गोरखपुर ने 54 रैंक की छलांग लगाई है। वर्ष 2018 में शहर की 280वीं तथा 2017 में 314वीं रैंक थी। प्रदेश के 64 शहरों में गोरखपुर को 28वां स्थान मिला। सर्वे के मुताबिक शहरवासियों को सुविधा मुहैया कराने के मामले में निगम का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। सर्विस लेवल प्रोग्राम में निगम को 1250 में सिर्फ 174 अंक ही मिले। स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर बीते 4 जनवरी से 31 जनवरी के बीच केंद्रीय टीम ने सर्वे किया था। इस संबंध में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि बड़ी ही खुशी की बात है कि नगर को अच्छे अंक मिले हैं, जिसमें आम जनता के साथ नगर निगम के अधिकारियों का भी सहयोग रहा है। उन्होंने सभी पशुपालकों से अनुरोध किया है कि वे नाली में पशुओं के गोबर या अन्य गंदगी ना फैलाएं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी गंदगी फैलाते मिलता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। नगर आयुक्त ने कहा कि छुट्टा पशुओं के रखने के लिए महवा में कान्हा गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य पूरा होते ही छुट्टा पशुओं को उसमें रखा जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा, स्वच्छता सर्वेक्षण जो है रैंकिंग में काफ़ी अच्छा स्थान आया गोरखपुर जिले में, क्या कहेंगे? ये हम सब के लिए खुशी की बात है और इसका श्रेय सबसे ज़्यादा नगरवासियों को जाता है, नगर निगम को जाता है, और ये नगर निगम के सभी अधिकारियों का ऐसा मानना है कि बिना नगरवासियों के सक्रिय सहयोग के ये नहीं प्राप्त किया जा सकता था। फिर भी अभी हमारी मंजिल दूर है, हमारा लक्ष्य ये होगा कि हम नंबर एक बने, प्रथम स्थान पाएँ, और इसके लिए नगरवासियों के सहयोग की भी बहुत ज़रूरत होगी। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि नगर निगम के सभी अधिकारियों को स्वच्छता के कार्यक्रम में लगा दिया गया है। प्रातः सभी अधिकारी अपने दिन की शुरुआत वार्ड में जाकर सफाई कराने से करते हैं, इससे वार्ड के लोगों में भी जागरूकता आई है। हमारे सफाई कार्मिक भी नियमित रूप से कार्य में उपस्थित हो रहे हैं, कार्य पर उपस्थित हो रहे हैं, तो उम्मीद है कि और बेहतर हम करेंगे। और अगला स्वच्छता सर्वेक्षण जब भी होगा तो हमारा स्थान बहुत अच्छा होगा। हमारा लक्ष्य नंबर एक होना है और नगरवासियों का सहयोग रहा तो हम जरूर नंबर एक होंगे। सर देखा जाए तो पशुपालक हैं, पशुपालक अपने पशुओं का गोबर या इस तरह की नाली में बहा देते हैं, तो उनके खिलाफ भी क्या कोई इस तरह का कार्रवाई? इसीलिए मैंने नगरवासियों का सहयोग मांगा है। ये जागरूक होना पड़ेगा और पशुपालकों को भी जागरूक होना पड़ेगा। उससे ज़्यादा जागरूकता आसपास के लोगों में होनी चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो उसका विरोध करें, सक्रिय विरोध करें, और चरणबद्ध ढंग से हम भी कर रहे हैं। अभी तो हमारा फोकस है कि जो हमारे गोवंश, निराश्रित गोवंश लोग छोड़ देते हैं, उनको गोवंश आश्रय स्थल पर पहुँचाया जाए, उनकी उचित देखभाल की जाए। और ये शिकायत ज़रूर मिल रही है कि कुछ लोग गायों के गोबर को भी नाली में बहा रहे हैं, जिससे नालियाँ चोक हो रही हैं, तो इस पर भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन फिर मैं यही जोड़ना चाहूँगा कि अगर नगरवासी हमारे जागरूक हैं और सक्रिय योगदान दे रहे हैं तो ऐसा करने वाले लोग, ऐसी शरारत करने वाले लोग नहीं कर सकते हैं। आगे हम ऐसे लोगों पर अर्थदंड भी लगाएंगे, जुर्माना करेंगे, उनको नोटिस दी जाएगी और उसके बाद जुर्माना किया जाएगा। अभी गोवंश आश्रय स्थल मधवलिया में है, महाराजगंज जनपद में, वहाँ हम लोग भेज रहे हैं निराश्रित गोवंश को। और महेवा मंडी के पीछे एक कान्हा उपवन बन रहा है, उस जैसे ही ये उपवन पूरा होता है, कान्हा उपवन, निराश्रित गोवंश को वहाँ भी रखा जाएगा।